नमस्कार, मैं केसाराम, सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। अंतिम व्याख्यान में हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के सामान्य परिचय पर चर्चा की। यथार्थवाद की मूल मान्यताएं क्या है, यथार्थवाद कितने प्रकार का है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों के व्यवहार को लेकर यथार्थवाद की क्या मान्यताएं हैं, इस पर हमने चर्चा की। अगर आपने वो व्याख्यान नहीं सुना है तो पहले उस व्याख्यान को आप सुने और उसके बाद में क्लासिकल रियलिज्म के इस व्याख्यान को सुने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्लासिकल रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में क्या मान्यताएं हैं, क्लासिकल रियलिज्म राज्यों के व्यवहारों को लेकर किस तरह की व्याख्या करता है, इसके समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विकास किस तरीके से हुआ, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। जब हम यथार्थवादी सिद्धांत को देखते हैं तो यथार्थवादी सिद्धांत ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है वो युद्ध और संघर्ष पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध चलते रहते हैं, संघर्ष चलते रहते हैं, इनको पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि बैलेंस ऑफ पावर के माध्यम से इनको सीमित जरूर किया जा सकता है। तो लास्ट व्याख्यान में हमने देखा कि यथार्थवाद कोई एक प्रकार का नहीं है। यथार्थवाद को मोटे रूप में हम तीन भागों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं, क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म और न्यू क्लासिकल रियलिज्म। आज इस व्याख्यान के अंतर्गत हम क्लासिकल रियलिज्म की बात करेंगे। क्लासिकल रियलिज्म जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वर्णन करता है, राज्यों के मध्य जो व्यवहारों को समझने का प्रयास करता है, या यूं कहे कि क्लासिकल रियलिज्म की विश्लेषण की जो मुख्य इकाई है वो मानव का स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है। क्लासिकल रियलिज्म के विद्वानों का मानना है कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता को समझना है तो हमें मानव प्रकृति को समझना होगा, मानव के स्वभाव को समझना होगा। अगर हम मानव के स्वभाव को समझ लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो राज्यों के मध्य व्यवहार होता है, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जिस तरीके का व्यवहार करता है उसको भी समझा जा सकता है। तो क्लासिकल रियलिस्ट जितने भी विद्वान हैं उनका ये मानना है कि मानव का स्वभाव है वो स्वार्थवाद पर आधारित है, इगोइज्म पर आधारित है। मानव स्वभाव की जो प्रकृति है वो स्वार्थी है, लालची है। मानव हमेशा अपने स्वार्थों को लेकर चिंतित रहता है, वो हमेशा अपनी लालसाओं आकांक्षाओं को लेकर चिंतित रहता है और जो मानव व्यवहार करता है वो अपने स्वार्थों और लालसाओं या आकांक्षाओं से प्रेरित होकर के ही वो व्यवहार करता है और यही मानव का स्वभाव है। वो मानव अहमवाद है, वो राज्य स्वार्थवाद का निर्माण करता है। क्योंकि राज्य का निर्माण है वो भी व्यक्तियों से मिलकर ही हुआ है, या यूं कहे कि राज्य का संचालन करता या नेतृत्व करता है वही मानव ही है। तो ये मानव का जो व्यवहार है वो भी राज्यों के व्यवहार को ही निर्धारित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो क्लासिकल रियलिज्म की मानव स्वभाव के बारे में मान्यता है वो निराशावादी है और ये जो मानव का स्वभाव है स्वार्थ पर आधारित, लालसाओं पर आधारित, मानव हमेशा ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, तो ये मानव स्वभाव का निराशावादी दृष्टिकोण है। और रियलिस्ट थिंकर, मुख्यतः क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर्स ये मानते हैं कि मानव स्वभाव की इस प्रकृति के अंतर्गत बदलाव लाना असंभव है, इस मानव स्वभाव को बदला नहीं जा सकता और यही मानव का स्वभाव है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के व्यवहारों को भी निर्धारित करता है। यही मानव स्वभाव जो अहमवाद पर आधारित है ये राज्य अहमवाद का निर्माण करता है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो कभी खत्म न होने वाले संघर्ष और युद्ध की राजनीति है।
तो हम अगर क्लासिकल रियलिज्म का बेसिक अजम्पशन देखें, विश्लेषण की मुख्य इकाई देखें, तो वो मानव स्वभाव के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करता है। अब हम देखें कि प्रमुख शास्त्रीय यथार्थवादी विद्वान कौन कौन से हैं, तो हम क्लासिकल रियलिज्म को भी दो भागों के अंतर्गत बांटकर देख सकते हैं। एक तो जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित नहीं हुई, उससे पहले के विद्वान जिसके चिंतन के अंतर्गत हम क्लासिकल रियलिज्म की जो संकेत है वो देख सकते हैं। दूसरे वे रियलिस्ट थिंकर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र विषय के उदय हुआ उसके बाद का जो चिंतन है, जिसमें मुख्यतः ईएच कार और हंस जे मॉर्गेंटो का चिंतन है, तो हम क्लासिकल रियलिस्ट की जो हिस्ट्री है उसको पहले देखते हैं। थ्यूसिडाइस ये एक ग्रीक इतिहासकार और दार्शनिक थे। क्लासिकल रियलिज्म या रियलिज्म की जो संकेत सर्वप्रथम देखे जा सकते हैं वो थ्यूसिडाइस के लेखन के अंतर्गत ही देखे जा सकते हैं। थ्यूसिडाइस की पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी हुई पुस्तक थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस और स्पार्टा के मध्य जो युद्ध हुआ उसका इस पुस्तक के अंतर्गत वर्णन किया गया है। एथेंस और स्पार्टा के मध्य इस युद्ध का वर्णन थ्यूसिडाइस ने अपनी इस पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार में शक्ति राजनीति के रूप में किया है, पावर पॉलिटिक्स के रूप में किया है। थ्यूसिडाइस इस पुस्तक के अंतर्गत लिखते हैं कि एथेंस की शक्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही थी और स्पार्टा के अंतर्गत इस बात को लेकर भय का वातावरण था, असुरक्षा का वातावरण था और स्पार्टा ने एथेंस के ऊपर इस बात को लेकर आक्रमण कर दिया और एथेंस और स्पार्टा के मध्य जो युद्ध हुआ इस युद्ध का प्रमुख कारण था शक्ति संतुलन की स्थिति बिगड़ना। जब ये बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति बिगड़ गई, शक्ति का संतुलन स्थापित नहीं रह सका, तो एथेंस और स्पार्टा के मध्य ये युद्ध हुआ। इसी पुस्तक के अंतर्गत एक मेलियन डायलॉग का वर्णन किया है थ्यूसिडाइस ने और इस मेलियन डायलॉग के माध्यम से थ्यूसिडाइस ये समझाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत या यूं कहे राज्यों के व्यवहारों के लेकर नैतिकता के जो सिद्धांत है उसका विदेश नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत कोई विशेष महत्व नहीं होता। मेलियन डायलॉग के अंतर्गत इस पेलोपोनेशियन वार के दौरान एथेंस और ग्रीक का एक छोटा राज्य मेलियन राज्य था, इसके मध्य वार्ता का वर्णन किया गया है। वैसे मेलियन राज्य का जो पैतृक संबंध था वो स्पार्टा के साथ था, लेकिन इस पेलोपोनेशियन वार के दौरान मेलियन राज्य ने न स्पार्टा का साथ दिया न ही एथेंस का साथ दिया और मेलियन राज्य है वो एक तटस्थ राज्य के रूप में रहा, लेकिन एथेंस राज्य ने मेलियन राज्य के ऊपर ये दबाव डाला कि या तो मेलियन राज्य एथेंस का साथ दे या फिर मेलियन राज्य विनाश के लिए तैयार रहे, लेकिन मेलियन राज्य वो अपने नैतिक तर्क देता है और वो कहता है कि प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लेकिन मेलियन राज्य के ये जो नैतिक तर्क है वो तर्क चल नहीं पाते हैं। तो इस मेलियन डायलॉग के माध्यम से थ्यूसिडाइस ने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से ये समझाया कि राज्यों के व्यवहारों के अंतर्गत नैतिक तत्वों का कोई महत्व नहीं होता, अगर किसी बात का महत्व होता है तो वो महत्व होता है पावर का और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो पावर के माध्यम से ही संचालित होते हैं। तो थ्यूसिडाइस को क्लासिकल रियलिज्म का प्रथम विचारक है वो माना जा सकता है। तो ये थ्यूसिडाइस का चिंतन है और थ्यूसिडाइस के चिंतन के अंतर्गत ही हम क्लासिकल रियलिज्म के संकेत है वो सर्वप्रथम देख सकते हैं। दूसरा विद्वान सुनजू ये चीन का इतिहासकार, सैन्य जनरल एवं रणनीतिकार था। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ही विद्वान था। इसने पुस्तक लिखी द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला।
युद्ध कैसे जीता जा सकता है, युद्ध की रणनीति क्या होनी चाहिए, युद्ध के अंतर्गत पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इन सारी बातों का यथार्थवादी तरीके से सुन जून ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वार के अंतर्गत वर्णन किया है। तीसरा विद्वान मैक्यावली, जिसके चिंतन के अंतर्गत भी हम यथार्थवाद के संकेत देख सकते हैं, क्लासिकल रियलिज्म के संकेत देख सकते हैं। मैक्यावली इटली का विद्वान था और इसकी जो प्रमुख पुस्तक है वो द प्रिंस है। ये द प्रिंस मैक्यावली की मृत्यु के बाद 1532 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत मैक्यावली राजा को सलाह देता है कि राजा को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो मैक्यावली ने इस पुस्तक को यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखा है। मैक्यावली कहता है कि राजा के लिए, राज्य के लिए राष्ट्रीय हित है वही सर्वोपरि है, नेशनल इंटरेस्ट है वही सुप्रीम है। राज्य को व्यवहार करते समय, राजा को व्यवहार करते समय अपने राष्ट्रीय हितों को ही सर्वोच्चता देनी चाहिए, नैतिकता के मानदंडों का कोई महत्व नहीं है। मैक्यावली इस पुस्तक में नैतिकता को दो भागों के अंतर्गत भी डिवाइड करता है, एक व्यक्तिगत नैतिकता, दूसरी सार्वजनिक नैतिकता। मैक्यावली ये कहता है कि राजा को अपने व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। सार्वजनिक जीवन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब राज्य के हित और नैतिक मूल्यों, इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति हो, तब राज्य को या राजा को क्या करना चाहिए, तब राजा को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, नैतिक तर्कों का वहां कोई महत्व नहीं है। तो मैक्यावली इस पुस्तक के अंतर्गत पॉलिटिक्स को भी पावर पॉलिटिक्स के रूप में डिफाइन करता है, शक्ति राजनीति के रूप में परिभाषित करता है। मैक्यावली का मानना है कि राजनीति का मतलब यही है कि शक्ति प्राप्त करना, उस शक्ति में वृद्धि करना और जो शक्ति प्राप्त की है उस शक्ति को बनाए रखना। तीसरी बात मैक्यावली ने इस पुस्तक के अंतर्गत मानव स्वभाव के बारे में जो व्याख्या की है, मानव स्वभाव के बारे में उसका दृष्टिकोण है वो भी निराशावादी दृष्टिकोण है। मैक्यावली ये मानता है कि मानव का जो स्वभाव है वो स्वार्थ पर आधारित है, लालसाओं पर आधारित है। इसलिए एक राजा को, एक राज्य को हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को ही सर्वोच्चता देनी चाहिए, नैतिकता का केवल दिखावा करना चाहिए, नैतिक तत्वों का राज्य के लिए कोई महत्व नहीं है। राज्य के लिए उसका अस्तित्व बनाए रखना, शक्ति प्राप्त करना, यही सर्वोच्च राष्ट्रीय हित है। तो मैक्यावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत इस यथार्थवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण किया। तो क्लासिकल रियलिज्म के संकेत है वो हम मैक्यावली की पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत भी देख सकते हैं। हॉब्स एक ब्रिटिश विद्वान था, ये एक सामाजिक समझौतावादी विचारक भी माना जाता है। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन जो 1651 के अंतर्गत प्रकाशित हुई, हॉब्स ने भी अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत मानव स्वभाव के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण का ही विश्लेषण किया है। हॉब्स अपनी इस पुस्तक के बारे में मानव स्वभाव की 5 विशेषताओं का जिक्र करता है। हॉब्स कहता है कि मानव स्वार्थी है, मानव एकांकी है, मानव झगड़ालू है, मानव पशु की प्रवृत्ति का है, मानव है वो गंदा है। तो यही यथार्थवादी दृष्टिकोण का भी मानना है। इस पुस्तक के अंतर्गत हॉब्स ये कहता है कि जब राज्य नहीं था, जब राज्य का अस्तित्व नहीं था, तो राज्य से पूर्व की जो अवस्था थी वो उसे प्राकृतिक अवस्था का नाम देता है। इस प्राकृतिक अवस्था है ये एनार्की पर आधारित थी, अराजकता पर आधारित थी। इसमें व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण करने वाली किसी भी प्रकार की कोई सत्ता नहीं थी। तो इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की सुरक्षा की जो मुख्य चिंता थी वो था उसका अस्तित्व बनाए रखना, और इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए
व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता था और ये प्राकृतिक अवस्था है वो प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध संघर्ष की स्थिति पर आधारित थी, युद्ध की स्थिति पर आधारित थी। अब हम इस हब्स के दृष्टिकोण को अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में समझे तो यथार्थवादियों का भी यही मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो भी एक एनार्की पर ही आधारित है, अराजकता पर ही आधारित है। राज्यों के ऊपर भी किसी प्रकार की कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है जो कि राज्यों के व्यवहार को निर्धारित कर सके। तो अगर हम यथार्थवादी दृष्टिकोण को देखें तो यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो संरचना है, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो भी एनार्की पर ही आधारित है, वो हब्स की प्राकृतिक अवस्था से मिलती जुलती है। तो हमने थ्यूसिडाइड से लेकर हब्स तक के चिंतन के अंतर्गत यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास किस तरीके से हुआ, इन बातों को हमने समझा कि यथार्थवाद है वो थ्यूसिडाइड, मैकियावेली, सुन ज़ू, हब्स, इनके चिंतन के अंतर्गत किस तरीके से परिलक्षित हुआ। अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो क्लासिकल रियलिज्म का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वतंत्र विषय के उदय के रूप में बाद में जो विकास हुआ, उसके बाद में जो क्लासिकल रियलिज्म आया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, उनमें जो पहला विद्वान था वो था ई एच कार। ये ब्रिटेन का एक इतिहासकार था, इसने 1939 के अंतर्गत अपनी एक पुस्तक लिखी द 20-year crisis, 20 वर्षीय संकट, 1919 से लेकर 1939 तक की घटनाओं का इस पुस्तक के अंतर्गत जिक्र किया। इचकार ने इन घटनाओं के माध्यम से ये समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो आदर्शवादी दृष्टिकोण उभर करके आया था, उस आदर्शवादी दृष्टिकोण का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कोई महत्व नहीं है। 1919 के अंतर्गत जो शांति स्थापना प्रस्ताव आया जिसे पेरिस शांति सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, और इस पेरिस शांति सम्मेलन के बाद में ही 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो ईएचकार अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत जो लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ है, आदर्शवाद की मान्यता पर जो संस्था स्थापित हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में, इसकी आलोचना करता है। और ईएचकार ये कहता है कि ये जो राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत संघर्ष की स्थिति को समाप्त नहीं कर सकी, टाल नहीं सकी। तो ईएचकार इस पुस्तक के अंतर्गत आदर्शवाद की आलोचना करता है, राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आलोचना करता है। ईएचकार ये कहता है कि जो आदर्शवादी सिद्धांत है वो एक यूटोपियन सिद्धांत है, कल्पना लोक पर आधारित सिद्धांत है, जिसका ये मतलब है कि आदर्शवाद ने केवल आदर्शों की बात की, केवल मूल्यों की बात की, केवल कल्पनाओं की बात की, उन कल्पनाओं को वास्तविक धरातल पर व्यवहार में कैसे स्थापित किया जा सके, आदर्शवाद उस बात को नहीं समझा सका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में कैसे संचालित होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य दूसरे राज्य के साथ वास्तव में किस तरीके से संबंध स्थापित करता है, इस बात को आदर्शवादी सिद्धांत समझाने में विफल रहा है। इस पुस्तक के अंतर्गत ईएचकार है वो संघर्षों को राज्यों के मध्य यथार्थवादी तरीके से विश्लेषण करता है। ईएचकार ये कहता है कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष शक्तिशाली और गैर शक्तिशाली राज्यों के मध्य संघर्ष के रूप में ही इनको समझा जा सकता है। तो क्लासिकल रियलिज्म के अंतर्गत 20-year crisis जो ईएचकार की किताब है, इस किताब के माध्यम से हम क्लासिकल रियलिस्ट थ्योरीज को समझ सकते हैं। दो अन्य पुस्तकें भी है ईएचकार की, एक नेशनलिज्म एंड आफ्टर, ये 1945 के अंतर्गत प्रकाशित हुई, दूसरी द क्वेसी मार्क्सिस्ट 14 volume ए हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया, ये 1950 से लेकर 78 तक की घटनाओं का इस पुस्तक के अंतर्गत वर्णन किया गया है। हंस जे मॉर्गेन तो
अगर हमें रियलिज्म की हम बात करें या क्लासिकल रियलिज्म की हम जब बात करते हैं, सो सामान्यतः हमारे दिमाग में एक जो विद्वान का नाम आता है वो है हंस जे मोर्गेंटो, क्योंकि हंस जे मोर्गेंटो ने ही यथार्थवाद को वास्तविक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास किया। हंस जे मोर्गेंटो अमेरिका का सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांतकार है। मोर्गेंटो का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ये वो शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो राज्य व्यवहार करते हैं उन राज्यों का व्यवहार है वो राष्ट्रीय हित से प्रेरित होता है, और राष्ट्रीय हितों को मोर्गेंटो अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के अंतर्गत नेशनल इंटरेस्ट को वो पावर के रूप में ही डिफाइन करता है। तो मोर्गेंटो ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो पावर के लिए ही स्ट्रगल है, इससे अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के हंस जे मोर्गेंटो ने कई पुस्तकें लिखी, जिसके अंतर्गत उसकी जो पुस्तकें हैं, जो सबसे उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये पुस्तक उसकी 1948 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इसके अलावा जो इसकी पुस्तकें हैं मोर्गेंटो की वो है साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक्स 1946 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, इनडिपेंडेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट 1951 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स 1960 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स। ये हंस जे मोर्गेंटो की प्रमुख पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राज्यों के मध्य व्यवहारों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। या हम हंस जे मोर्गेंटो की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 में जो ये पुस्तक प्रकाशित हुई, इस पुस्तक के अंतर्गत मोर्गेंटो रियलिस्ट थ्योरी के अंतर्गत से प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन करता है, 6 प्रिंसिपल देता है वो रियलिज्म के बारे में, उसको पॉलिटिकल रियलिज्म भी कहा जाता है, राजनीतिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। इस राजनीतिक यथार्थवाद के जो ये 6 प्रिंसिपल्स है मोर्गेंटो के, इन 6 प्रिंसिपल्स को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो प्रिंसिपल्स मोर्गेंटो देता है वो ये है कि राजनीति वस्तुनिष्ठ कानूनों के द्वारा संचालित होती है और इसकी जड़ें मानव स्वभाव के अंतर्गत निहित हैं। मोर्गेंटो इस पहले प्रिंसिपल के माध्यम से ये कह रहा है कि अगर हमें राजनीति को समझना है, अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है, तो हमें मानव स्वभाव को समझना होगा। मानव स्वभाव को समझे बिना हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझ सकते। या मानव स्वभाव के बारे में मोर्गेंटो मैकियावेली और हॉब्स के दृष्टिकोण को ही अपनाता है। मोर्गेंटो भी उन विद्वानों की तरह मानता है, हॉब्स और मैकियावेली की तरह ही, कि मानव का जो स्वभाव है वो स्वार्थों पर आधारित है। मानव हमेशा शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। एक व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति के ऊपर डोमिनेशन स्थापित करने का प्रयास करता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी जो राज्यों का नेतृत्व करता है वो भी एक मानवीय है, और राज्य भी इसी प्रवृत्ति के आधार पर व्यवहार करते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर अपना हमेशा से प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल्स यहाँ पर मानव स्वभाव के बारे में बात करता है मोर्गेंटो ये कहता है कि मानव स्वभाव के माध्यम से ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता को समझ सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल राष्ट्र हित की अवधारणा। मोर्गेंटो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए राष्ट्र हित की जो अवधारणा है वो भी एक प्रमुख अवधारणा है, और मोर्गेंटो राष्ट्र हित को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित कर। जब मोर्गेंटो राष्ट्र हितों को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित करता है, तब मोर्गेंटो यह भी कहता है कि शक्ति का मतलब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क पर और उसके कार्य पर
नियंत्रण स्थापित करना है। या पावर को अगर हम समझे तो पावर का मतलब मॉर्गन तो ये बताता है कि ए व्यक्ति के द्वारा बी व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करना। इस बात को हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों के संदर्भ में लागू करें तो राज्य भी क्या करते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर अपना डोमिनेशन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस दूसरे प्रिंसिपल्स के अंतर्गत मॉर्गन तो राष्ट्र हित की अवधारणा के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझाने का प्रयास करते हैं। और मॉर्गन तो ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्य है वो अपने राष्ट्रीय हितों को ही सर्वोच्चता देते हैं और राष्ट्रीय हित या शक्ति के संदर्भ में परिभाषित है। तीसरा प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल रियलिज्म का, ये तीसरा प्रिंसिपल्स ये कहता है, दूसरे प्रिंसिपल में हमने ये बात करी कि राष्ट्रीय हित शक्ति के रूप में परिभाषित है। इस तीसरे प्रिंसिपल्स के अंतर्गत मॉर्गन तो ये कहता है कि ये तो सार्वभौमिक रूप से मान्य है कि राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में ही परिभाषित है, शक्ति के रूप में परिभाषित है। लेकिन यह शक्ति की जो प्रकृति है, इसका जो रूप है, वो समय, स्थान और संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन ये हित की जो अवधारणा है राज्यों की, राष्ट्रों की, ये हित की अवधारणा लगातार बदलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक परिदृश्य बदलता है, जैसे जैसे सांस्कृतिक परिदृश्य के अंतर्गत बदलाव आता रहता है, वैसे वैसे हित का संदर्भ है वो बदल सकता है। राज्य अपनी विदेश नीति के जो लक्ष्य है, विदेश नीति है, वो भी बदल सकता है। जैसे हम अगर 1990 से पहले भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करें और 1990 के दशक से बाद के भारत और अमेरिका संबंधों की बात करें तो इन भारत और अमेरिका संबंधों के अंतर्गत काफी बदलाव आया है। 1990 से पहले भारत और अमेरिका के मध्य इतने प्रगाढ़ संबंध नहीं थे। अमेरिका का जो झुकाव था वो पाकिस्तान की ओर ज्यादा था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान के अंतर्गत सोवियत संघ को कंटेन करने का प्रयास करता था। लेकिन 1991 के अंतर्गत सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध का अंत हुआ और इस शीत युद्ध के अंत के बाद में अमेरिका के जो झुकाव है वो पाकिस्तान की बजाय भारत की ओर ज्यादा झुका, और भारत के अंतर्गत अमेरिका ने अपने बाजार हित भी देखे और इस बाजारवादी हितों को लेकर अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूती प्रदान की। दूसरा उदाहरण अगर हम ले तो 9/11 के हमले से पहले अमेरिका ने आतंकवाद पर अपनी विदेश नीति के अंतर्गत उतना जोर नहीं दिया जितना कि 9/11 के अटैक के बाद उसने विदेश नीति के अंतर्गत जो आतंकवाद को समाप्त करने की बात है उसको ज्यादा तवज्जो दी और वॉर ऑन टेरर की अवधारणा है वो भी प्रतिपादित की और इस तरह का कार्यक्रम है वो संचालित किया जिसके अंतर्गत उसने आतंकवाद के उन्मूलन को लेकर उस पर बल दिया। तो ये तीसरा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हित का संदर्भ है वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। ये तीसरा प्रिंसिपल मॉर्गन का। चौथा प्रिंसिपल्स ये है कि जब राज्य व्यवहार करते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो, तो उसके अंतर्गत सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन मॉर्गन तो यहां ये भी कहते हैं कि जब राज्य इस तरह की राजनीतिक कार्यवाही करते हैं तब वो नैतिक मूल्यों से अपरिचित नहीं होते हैं, लेकिन जब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी का संचालन करते हैं तो उसके अंतर्गत सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को कोई तवज्जो नहीं देते। सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की बजाय वो ज्यादा जो तवज्जो देते हैं राज्य वो है उनका राष्ट्रीय हित। जैसे हम समझे मानवाधिकार की अवधारणा, ज्यादातर जो विकसित राज्य है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा बात करते हैं और ह्यूमन राइट्स को लेकर
वो जिन राज्यों के द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है वहां पर वो मानवीय आधार पर हस्तक्षेप भी करते हैं, लेकिन मॉर्गन तो ये समझाने का यह प्रयास करता है कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की बजाय उस राज्य का राष्ट्रीय हित है वो ज्यादा होता है, और इस नाम पर राज्य वो दूसरे राज्य के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की प्रयास करते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। तो स्वतः प्रिंसिपल्स के माध्यम से मॉर्गन तो ये समझाता है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कोई महत्व नहीं होता। पांचवा जो पॉइंट है वो चौथे पॉइंट से ही मिलता जुलता है। इसके अंतर्गत मॉर्गन तो ये समझाता है कि प्रत्येक राष्ट्र की विशेष नैतिक महत्वाकांक्षाएं होती है, नैतिक सिद्धांतों को सार्वभौमिक मान्यता नहीं होती है। मॉर्गन तो कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र उसकी जो नैतिक महत्वाकांक्षाएं होती है वो अलग अलग होती है, प्रत्येक राष्ट्र के जो नैतिक मूल्य वो अलग अलग मूल्य होते हैं, क्योंकि सार्वभौमिक नैतिक मान्यताओं का अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कोई महत्व नहीं है। राज्य फॉरेन पॉलिसी का संचालन करते समय नैतिक मूल्यों की बजाय नैतिक मानदंडों की बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे निशस्त्रीकरण की बात करने वाले राज्य भी शस्त्रों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, तो ये इसी तरह का एक उदाहरण है। तो चौथे और पांचवें प्रिंसिपल के माध्यम से मॉर्गन तो ये समझाने का प्रयास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों नैतिकता के सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं होता। राज्यों की जो विदेश नीति है, राज्यों का जो व्यवहार है वो नैतिक मूल्यों की बजाय राष्ट्रीय हित, राज्य के अस्तित्व, राष्ट्र की शक्ति इनसे संचालित होता है। छठा जो प्रिंसिपल से वो मॉर्गन तो ये देता है कि राजनीतिक क्षेत्र है वो एक स्वायत्त क्षेत्र है, जैसे अर्थनीति का क्षेत्र, जैसे नीति शास्त्र का क्षेत्र, जैसे विधि शास्त्र का क्षेत्र अपने आप में स्वायत्त क्षेत्र है, ठीक उसी तरीके से जो ये पॉलिटिक्स का क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, ये भी स्वायत्त क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर के इन सिक्स प्रिंसिपल्स के माध्यम से मॉर्गन तो ये समझाने का प्रयास करता है, जैसे वो पॉलिटिकल रियलिज्म कहता है, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए मानव स्वभाव, राष्ट्रहित की अवधारणा, शक्ति की अवधारणा ये प्रमुख अवधारणाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत नैतिक मूल्यों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। तो ये पॉलिटिकल रियलिज्म के सिक्स प्रिंसिपल्स हैं, और हमने इस वीडियो के अंतर्गत थ्यूसिडाइड से लेकर मॉर्गन तो तक जो क्लासिकल रियलिज्म का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विकास था उस विकास को समझा, क्लासिकल रियलिज्म की जो मान्यताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में उसको समझने का प्रयास किया। अंत में दो तीन फैक्ट्स है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, उसको भी देख लिया। गाजी ए आर अलगोसेवी ये कहता है कि यथार्थवाद और मॉर्गन तोवाद दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हमारे दिमाग के अंतर्गत यथार्थवाद की बात आती है तो हमारा ध्यान मॉर्गन तो के जो आइडियाज है उसी तरफ जाता है। दूसरा स्टैनले हॉफमैन, ये मॉर्गन तो के यथार्थवाद को शक्ति अद्वैतवाद का सिद्धांत कहता है, पावर मोनोइज्म थ्योरीज कहता है। इसका मतलब ये है कि मॉर्गन तो ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत पावर पर बहुत ज्यादा बल दिया है। डेविड सिंगर की ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1966 में मॉर्गन तो को सबसे प्रमुख सिद्धांत निर्माता की संज्ञा दी है। तो ये दो तीन फैक्ट्स हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, इनको आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में क्लासिकल रियलिज्म की जो मान्यताएं हैं, विशेषतः पॉलिटिकल्स जो रियलिज्म है मॉर्गन तो के जिसके सिक्स प्रिंसिपल हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।